तो मुझे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माहौल ही उलट है। यार जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। इस वक्त तुम्हें देखकर क्या कैफियत है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? हमें भी समझदार लड़की चाहिए जो मेरी बहन को भी संभाल सके और घर को भी। जहे इसकी हमें जरूरत नहीं है। हाजी काफी पॉजिटिव सोच है आप। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे नहीं देखती, मैं तुम्हें नहीं देखता, जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। हैदर, आप आयजा, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक काम से आ रहा था। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आयजा, आंटी का रवैया आपके साथ ठीक है? अगर इन केस ठीक नहीं है तो आप खालू से बात कर सकती हैं, पर अगर आप ख़ुद बात नहीं करना चाहती तो आप मुझसे कह दें, मैं अंकल से बात कर लूँगा। नहीं हैदर, प्लीज़ आप बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इस घर में एक और तमाशा। पहले ही तैमूर अंकल इतना परेशान है। लाइबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़रूर ये हमारी शिकायतें लगा रही होगी ना तुमसे? नहीं, मैं तो बस वो। ये क्यों शिकायतें लगाएगी, सिर्फ चाय का पूछने आई थी मुझसे। हाँ अगर चाय का पूछना है ये तो जाके चाय लेके आओ ना, खड़ी क्यों हो, जाओ। क्या कह रही थी वैसे ये तुम्हें? उसने क्या कहना है? एनीवे मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी असाइनमेंट देने आया था, जितना भी डेटा चाहिए मैंने यूएसबी में डाल दिया। ये रहा। थैंक यू। अच्छा बात सुनो, बैठो, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। लाइबा एक्चुअली अभी मुझे बहुत सारा काम है। आई विल कम एंड सी यू लेटर। चलता हूँ अभी मैं, बाय। ये क्या होता जा रहा है मुझे? क्या कर रहा हूँ मैं? क्यों हर पल मैं बस आयशा के बारे में सोचने लगा? क्यों मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगी है? कितना खूबसूरत एहसास है ये। मैंने सुना तुमने जॉब कर ली और बताया नहीं। मैं हर काम तुमसे पूछ के तो नहीं करूंगी ना। किसके साथ गई थी और कैसे वापस है? ये तुम्हारे सर का दर्द नहीं है। सर का दर्द ना सही, मगर मुझे तुम्हारी परवाह तो, और तुम जानती हो परवाह किसकी की है। छोड़ो मेरा हाथ। अब नहीं छोड़ सकता, सारी उम्र के लिए पकड़ लिया। छोड़ो वरना। वरना क्या? शोर मचाओगे, सबको बता दो। मैं आंटी को, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आंटी? वो मैं क्या? मैं, अरे बताओ ना क्या चल रहा है? बताओ। मेरे घर में मेरे ही सामने तुम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, सच बताओ क्या चल रहा है? ये थोड़ी से पूछे। ये सब क्या चल रहा है?
बताओ। मोहब्बत, मोहब्बत हो गई है मुझे अहमद से। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तैमूर को इस चीज के बारे में पता लगेगा तो वो क्या करेंगे, और वैसे भी वो तुम्हारे बारे में क्या ख्यालात रखते हैं तुम अच्छी तरीके से जानते हो। वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं, ना मैंने कभी परवाह की है ना परवाह करूं। हेमल से शादी करना चाहता हूं, और आपको तैमूर भाई से बात करके उन्हें इसके लिए मनाना पड़ेगा। तो उस वक्त मनाऊंगी ना तैमूर को जब मैं खुद मान जाऊंगी। और ये बात हरगिज मुमकिन नहीं है, ये बेहूदा ख्याल अपने दिमाग से फौरन निकाल दो। फैसला कर चुका हूं, अब आप या कोई और मुझे रोक नहीं सकते। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप तैमूर भाई से बात करके उन्हें इस शादी के लिए मनाएं, क्योंकि मैं तो पीछे हटने नहीं वाला, और ना आप मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं। बाबर एक बार कुछ ठान ले तो उससे पीछे नहीं हटता। बाबर, बाबर, या अल्लाह, क्या मुसीबत, और कितना अजाब आएगा मुसीबत लड़कियों की वजह से। बच्चों, आपने भाई से बात की है अब तक? तो बाप, मैंने तुम्हारे फेवरेट सैंडविच बनाए, आओ बैठो। मैंने नहीं खाने, आप मुझे बताएं आपने भाई से बात की? अरे भाई, मेरी गुड़िया को अपने भाई से बात करने के लिए बच्चों की जरूरत कब से पड़ने लगी? बताओ क्या बात है? वो भाई, हमने आपके लिए एक लड़की देखी है। अच्छा, चलो गुड। अरसलान, वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? किससे पूछ के इनकार कर दिया? ना आपने भाई से पूछा, ना आपने मुझसे, कैसे इन्होंने इनकार कर दिया? तुबा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन, और मैं अरसलान के लिए मिसमैच लड़की कैसे ला सकती हूँ? क्या बुराई है आयशा में? और भाई, आप इनको एक्सप्लेन करें, क्या कभी मैं आपके लिए कोई गलत लड़की चूज करूंगी? मेरा डिसीजन कभी भी आपके लिए गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मेरी गुड़िया की पसंद कोई ऑर्डिनरी लड़की हो ही नहीं सकती। तोबा, तुम अच्छी तरह से जानती हो वो लड़की एवरेज है, पर मैं नहीं जानती कि तुम उसे क्यों इतना पसंद कर रही हो। ठीक है, आयशा का जो भाई है उमर, वो मुझे अच्छा लगा, और आप दोनों जाएंगे उनसे मेरे लिए बात करने, ठीक है? क्या हो गया, आप अपसेट क्यों लग रही हैं? बात ही कुछ ऐसी है, तो जैसे समझो कयामत आ जाएगी। क्या, सीधी तरह बताएं क्या हुआ है? होना क्या है, जो तुम्हारे मामू ने मेरे सर पर बम फोड़ा है ना, उससे मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। आप मुझे क्लियरली बताएंगे हुआ क्या है? बाबर ने कहा है वो इमल से शादी करना चाहता है, वो उससे मोहब्बत करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आपको आज पता चला है? मुझे तो ये बात पहले से पता है। क्या, तुम्हें ये पहले से पता था और तुमने मुझे बताया तक नहीं? ये बताओ कब से चल रहा है चक्कर? मामा, मुझे खुद कुछ डेज पहले पता चला है, और मामू ने आई गेस आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप ही हैं जो किसी की सुनती नहीं है। क्या, उसने कब बताने की कोशिश की मुझे? तभी जब आपके सर पे उन लड़कियों की गुमशुदगी सवार थी। तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ, ये लड़कियां मुसीबत नहीं अजाब बनकर मसलत होगी मेरे सर पर। बाबर के तेवर भी ठीक नहीं लग रहे हैं। मामा, आप एक काम करें, आप खाला से बात करें, नहीं इनफैक्ट बाबा को कहें कि हैदर को कन्विंस करें कि अगर उसने शादी नहीं करनी, एटलीस्ट निकाह तो कर ही सकता ना अभी। वैसे भी आपके घर के हालात दिन ब दिन इतने खराब होते जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों चुड़ैले मेरे हैदर को मुझसे छीन लें।
कर दी ना तुमने खुदगर्जी वाली बात। इसे खुदगर्जी नहीं, रियलिटी कहते हैं। और वैसे मामू ने बिल्कुल ठीक कहा है, अभी आपके हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं रहा मामा। वैसे ही आपकी उस एक गलत मूव ने पूरे घर में जितने सारे लोग थे ना, सबको लड़कियों के फेवर में कर दिया। जानती है ना आप ये बात। लाहिबा, तुम किसी की सगी नहीं हो सकती हो। यहाँ तुम्हारी माँ शोहर के बदलते रवैये, भाई की बेटों की बातें हलक से उतार नहीं पा रही है, और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। या अल्लाह, इन लड़कियों को उनके बाप के साथ ही क्यों नहीं उठा लिया। चलो चलो अभी आपा के पास, आपा को भी बताएं ना कि बाबर किस मुसीबत को दावत देने के चक्कर में। बल्कि आपा को मैं खुद बताऊंगी कि बाबर के क्या तेवर है। और ऐसा करती हूँ, बाबर को भी वहीं बुलवाती हूँ और उसके कान खिंचवाती हूँ। अपनी बीवी को तो लाता नहीं और मेरे घर में उस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत करना चाहता है। चलो। I'm so sorry मामा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अमीन, अगर हैदर ने मेरी प्रेजेंस को इन्वॉल्वमेंट समझ लिया, क्या करूंगी मैं फिर? तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। सकीना, मेरा पर्स लाओ। अरसलान, मुझे लगता है कि तुमने तुबा को हद से ज्यादा बिगाड़ दिया। तो क्या चाहती हैं, कि अपनी बहन को खो दूं? क्या जानती हैं, मामा और बाबा के एक्सीडेंट से अचानक मौत पर आप तो कुछ दिन रहकर चली गई थी। बच्चे गुड़िया को मैंने संभाला था, आपको पता है, मामा की जान थी वो और बाबा पूरी दुनिया थे उसकी। उनकी डेथ के सदमे से इस कदर निढाल हुई थी कि डिप्रेशन की पेशेंट बन गई थी। तब मैंने संभाला था उसे, आप नहीं थी यहाँ पे, मैंने देखा था उसे, उसकी हालत मैंने देखी। डॉक्टर्स ने सख्ती से कहा उसे खुश रखने के लिए, और मैं उसकी खुशी की खातिर कुछ भी करूँगा, कुछ भी। इसलिए आप पहली फुर्सत में लोगों को कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। अरसलान, मैं तुम्हारी बात मान लेती, तूबा को अगर उसका भाई पसंद है तो हम जाकर तुबा के लिए बात कर लेते, लेकिन उसके लिए आयशा को ब्याह कर लाने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ आंटी ने अपने चहीते भाई की हरकतें देखी। उसने मेरा रास्ता रोका, उसने मेरा हाथ पकड़ा, गंदी नजरों से देख रहा था मुझे। आंटी को भी अपने भाई का किरदार पता चल गया होगा। हमें लगता है उन्हें पहले से नहीं पता। उन्हें तो शायद हमसे ज़्यादा ही पता। मुझे लगता था कि इस उम्र में घर वालों ने शादी नहीं करवाई, तभी इतनी मशकूक हरकतें कर रहे। तुम जानती हो, अपनी बीवी को मैके बिठा के रखा है इस बाबर ने। उसके साथ किसी औरत का गुजारा है भी नहीं, मगर अब मैंने सोच लिया। तुम देखना, एक बार और भी इसने ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं जाके तैमूर अंकल को बता दूंगी। हाँ, और आंटी को अपना पक्का दुश्मन बना लूंगी। तो क्या करें, कब तक इस तरह डर डर के इनकी ज्यादतियां सहते रहेंगे? हाँ, मुझे तो डर है कि अगर एमल ने तैमूर को बता दिया तो तैमूर तो फौरन बाबर को घर से निकाल देगा। एक ही तो भाई है हमारा। इसी दिन के लिए समझाती थी तुम्हें कि बाबर को इतना सर पे मत चढ़ाओ। मैंने जब भी उसकी बीवी को वापस लाने की बात की, तुमने हमेशा उसे शह दी। रहने दे आपा, इन मर्दों को ना शह की जरूरत नहीं है। आप अपने हैदर को ही देख लें, उसको कौन सी शह दी है आपने? आपकी इजाजत के बगैर अपनी बात मनवाता है कि नहीं? बाबर का इल्जाम तो आप मेरे साथ डाल देंगी, अपने बेटे की खुदसरी का इल्जाम खुद लेंगे क्या? मेरी बात सुनो राबिया, देखो तुम ना हैदर की बात मत करो। हैदर जवान खून, और हैदर ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी बेइज्जती हो माशरे में या हमारा सर नीचे हो। हाल बता, बाबर जरूर। बाबर कौन सा बूढ़ा है, वो भी तो जवान ही है। आप बाबर को बुलाएं और उसे समझाएं। बाबर को समझाने के लिए ना बाबर जैसा दिमाग चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। हाल बता, तुम्हें एक मशवरा जरूर दे सकूं, रिश्ता देखो और लड़कियों को ब्याह दो। यही हल है इस मसले का, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वाह 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 पापा, क्या मशवरा दिया आपने। मैं अपनी बेटी को घर बैठाए रखूं और किसी और का बोझ छिकाने लगाऊं? मेरे घर पे नोट आसमान से नहीं बरसते। किसने कहा है कि तुम जयेश के झंझट में पड़ो? देखो, कोई नॉर्मल से लोग देखो,
रिश्ता तय करो और जहेज की बात पहले ही कर लेना कि बहुत ज्यादा जहेज नहीं दूंगी। इसमें क्या मुश्किल है? थोड़ा बहुत भी ना लाखों में चला जाता है आपा। मैं अपनी बेटी के हक पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी, ये नहीं हो सकता। ठीक है तो फिर पालो कयामत को, शोर क्यों कर रही हो? अगर कुछ दे दिला के ये मुसीबतें सर से उतरती हैं, दफा होती हैं, तो तुमको क्या मसला है? वाह वाह वाह, जब आपके घर थी तो कितनी टेंशन थी आपको, बार बार मुझे कॉल करे जा रही कि आके ले जाओ उनको। जब मेरे घर वापस आ गई हैं तो आपने तो आंखें माथे पर चढ़ा ली। देख लूंगी मैं उनको भी और बाबर को भी। आप मुझे आड़े सीधे मशवरे मत दें। आप हैदर से बात करें कि लाइबा से वो निकाह करे ताकि मेरी बेटी अपनी घर की हो, और फिर मैं उनको ठिकाने लगाऊं। चलती हूं। पार्टी बिना वजह नखरे कर रही है। भाई कहें तो कुछ पैसे बना दूं, कहीं सौदा खराब ना हो जाए। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, दो तीन दिन के लिए छोड़ दो, मैं खुद ही देख लूँगा। ठीक है, जाओ मेरे लिए चाय भेजो। चाय? बॉस आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब कुछ उलझे उलझे और परेशान से लग रहे थे। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। ठीक है। भाई को सिर्फ बाजी ही मना सकती हैं, और बाजी को भांजी। मुझे किसी तरह लायबा को मनाना है, वो बाजी को मनाएगी। तैमूर भाई का तो फिर रहने दे आपा, इन मर्दों को ना शेख की जरूरत नहीं है। आप अपने हैदर को ही देख लें, उसको कौन सी शय दी आपने? आपकी इजाजत के बगैर अपनी बात मनवाता है कि नहीं? बाबर का इल्जाम तो आप मेरे साथ डाल देंगे, अपने बेटे की खुदसरी का इल्जाम खुद लेंगे क्या? हैदर से बात करें कि लाइबा से वो निकाह करे ताकि मेरी बेटी अपनी घर की हो, और फिर मैं उनको ठिकाने लगाऊं। क्या हुआ, इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही है? कोई टेंशन है? टेंशन कोई एक हो तो बता। सबसे बड़ी टेंशन तो तुम्हारी शादी की है। इधर अगर तुम शादी के लिए मान जाओ ना तो मैं। अम्मिया मेरा जवाब जानती हैं। इसके अलावा अगर कोई और बात है, कोई और टेंशन है, तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर ले। देखो हैदर बेटा, हम ऐसा करते हैं कि अभी तुम्हारी रुखसती नहीं करते, सिर्फ निकाह करते। कौन आया था आज? नहीं, मैं तुमसे कुछ और कह रही हूँ, तुम कुछ और बात कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई, ये क्या सवाल है? सवाल ये है कि आप खुद इस तरीके से नहीं सोचती अम्मी। आई नो यू, शादी की इतनी जल्दी लाइबा और खाला को ही है, आपको इतनी जल्दी नहीं है। क्यों नहीं है मुझे इतनी जल्दी? तुम मेरे बेटे हो, मेरे दिल में भी अरमान है तुम्हारी शादी करूं, तुम्हारा घर बसता देखना चाहती हूं। जब एक बात तय हो गई है, वो भी इतनी लड़ाई झगड़ों बहस के बाद, तो बार बार उसको डिस्कस करने का क्या फायदा है? मैं गुजर रहा था, मैंने आपको अपसेट देखा, मैं आ गया आपके पास कि मैं आपसे आपकी और अपनी थोड़ी सी बातचीत कर लूं। और आप क्या कर रही हैं यहां पे? दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मुझसे बहस कर रही हैं। तुम्हारा होने वाला ससुराल है, और तुम दोनों लड़कियों के मामले के बाद तो सही बताऊं, सिर्फ राबिया ही नहीं मैं भी डर गई। वाह जबरदस्त, खाला डर गई। हाँ डरना उन्हें उस वक्त चाहिए था जब उन दो मासूम लड़कियों को रात के अंधेरे में घर से धक्के देके बाहर निकाल रही थी, वो वक्त था डरने वाला। हैदर प्लीज। अम्मी प्लीज, आई एम सॉरी, मैं आपके पास आ गया यार, मैं आपको कंपनी देने के लिए आया था। एक काम करो, तो मैं ही चला जाता हूँ ताकि ये डिस्कशन हो ही ना आगे। हैदर ये कपड़े लाइबा के हैं, तुम दोनों के लिए मैंने सकीना को बोल दिया, वो कपड़े दे देगी तुम लोगों को। पुलिस वालों ने मेरा फोन रख लिया, निकलते साथ ही मैंने नई सिम निकलवाई, मगर तुम्हारा नंबर खो चुका था यार। अम्मी
इस हफ्ते में तीसरी दफ़ा आपके सर में दर्द हो रहा है, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? इस दुनिया में और भी बहुत सारे मसले होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान बस टेंशन लेता रहे कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही और पागल हो जाए। तो नहीं समझेगी इस दुनिया में तन्हा औरत का ज़िंदगी गुजारना कैसा है। खुदा ना खास्ता अम्मी, मैं तन्हा कहाँ हूँ? मेरी माँ बैठी है मेरे सर पे, मेरा भाई है जो मेरे पे जान छिड़कता है। लेकिन अगर आपको रिश्ता ढूंढना ही है, आपका बहुत दिल करे, तो आप उम्र पे क्यों नहीं ध्यान देती? मतलब उसके लिए वो रिश्ता ढूंढ लेना। और अम्मी, मुझे लगता है कि मेरा भाई ना किसी को पसंद भी करता है। पसंद करता है तो करता रहे, मैं उम्र के लिए सोच भी नहीं सकती। मैं जब तक तेरे फर्ज से बरी नहीं हो जाऊंगी ना, मैंने उम्र की शादी नहीं करनी। अम्मी देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप उसकी पहले कर भी दें मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। किसका फोन है? उन्हीं का जो हमारे घर आए थे। सुबारिया का? जी। अल्लाह खैर करे, कोई अच्छी खबर देगी? अब क्या अच्छी खबर देंगी, इनकार तो कर चुकी हैं वो। अच्छा फोन तो दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पापा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से फ़ोन किया ना आपने? जी आपा, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। आप लोग हमें बहुत अच्छे लगे, सुलझे हुए, समझदार, सादा। अगर आयशा अरसलान का रिश्ता नहीं हो सका तो हम लोग एक और रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे थे। दूसरा रिश्ता? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आपा, आपने मेरी छोटी बहन को देखा था ना, हम आपके घर आए थे, मुझे लगता है यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। आप क्या कह रही हैं सुबारिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं अपनी बहन तूबा के लिए आपके बेटे उमर के रिश्ते की बात करूं। दरअसल हमारी छोटी बहन बहुत लाडली है, हमने बहुत प्यार से पाला है उसको। आप जो कहेंगी, अब मेरा मतलब है उमर के लिए कारोबार, घर, कुछ भी। ये क्यों नहीं कहती कि अपनी बहन की शादी के लिए तुम मेरे बेटे की कीमत लगा रही हो? बीबी, तुमने गलत जगह ऑफर दिए। देखो, मैं अपने बच्चों की शादियां करना चाहती हूँ, लेकिन शादियों के नाम पे कारोबार करना नहीं चाहती मैं। तुम ये ऑफर किसी और को दो तुम्हें बहुत लड़के मिल जाएंगे। मैं अपनी बड़ी बेटी का दिल दुखा के अपने बेटे का घर नहीं बसा सकती। और हाँ, मेहरबानी करके दोबारा यहाँ फोन मत करना, समझ गई? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। या अल्लाह, पहले ही मेरे सर में दर्द था और सर दर्द कर लिया। मैं सर दबा देती हूँ। आज नहीं, चाय बना दे मेरे लिए तो बस। आप आ गए? ये इतनी शॉपिंग आपने की? एक्चुअली मेरा दोस्त साथ था तो उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें ली, मैंने सोचा मैं भी बच्चियों के लिए कुछ ले लूं। हाँ नाइबा बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ बेटा, ये चलो। अंकल, अरे लो ना बेटा, इसकी क्या जरूरत थी अंकल? इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है बेटा, बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाओगी तो कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी। इन लोगों के लिए तीन तीन बैग्स और मेरे लिए सिर्फ एक? क्या हो, मतलब तुम्हें किसी चीज की कमी है?
इनको जरूरत थी तो ला दी। सिर्फ अपनी सगी बेटी के लिए तो कभी शॉपिंग नहीं की, इन पराई लड़कियों के लिए इतनी हमदर्दी। बाबा आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे ना ये अंकल आप ऐसा करें ये कपड़े भी लाइबा को दे दें, आप हमारे लिए ले आए बस यही काफी है। रहने दो, वो लाइबा वाला मुझे दो, लाओ। तुम एक काम करो, मैं लाइबा को मना लूंगा, परेशान मत हो, मुझे अच्छी सी चाय पिला दो। ऑन स्माइल, कुछ नहीं होता। मैं अभी लाई। और धोखे बाज इंसान, जब वादा निभाना ही नहीं था तो वादा किया ही क्यों? जब किसी और का ही होना था तो फिर तो क्या हो गया यार? साकिब यार मुझे इस वक्त बात नहीं करनी। अगर मैं भाभी के बारे में बात करना चाहूँ तो भी नहीं करेगा? बात करने को रह क्या गया? अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन। भाभी के स्कूल का एड्रेस लेकर आया हूँ, वहीं पढ़ाती है जहाँ वो मिली थी। साकिब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, पता नहीं कैसी कैसी गलत फहमियाँ पाले बैठी है। मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ और उसे मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है। यार एक बात बता, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि उसने अपना रास्ता ही मोड़ दिया? मैं छोटी ज़ैनिया और इतने छोटे दिल की मालिक है राबिया आंटी। लाइबा को तो देखो, क्या नहीं है उसके पास, फिर भी इतनी हवस। इमल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये कपड़े लाइबा के हैं। तुम दोनों के लिए मैंने सकीना को बोल दिया, वो कपड़े दे देगी तुम लोगों को। कभी भी लाइबा के साथ बराबरी करने की कोशिश मत करना। जो भी चीज तैमूर लाए ना, वो सिर्फ लाइबा की है। औकात में रहो तुम लोग, और खबरदार जो तैमूर को कुछ भी बताने की कोशिश की इस चीज के बारे में या किसी चीज के बारे में, समझ आई है? ले आई उनसे कपड़े। वाह क्या बात कर दी आपने, बट आई विश उस टाइम मैं होती और उन दोनों के ना वो रोते हुए चेहरे देख सकती। और आपने बहुत अच्छा किया मामा कि बाबा के सामने चुप रह के उन लड़कियों को उनकी औकात और हमारी रैपो बता दी है। बस आप बाबा से बात करें और उनको उनको बैड फील कराएं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया ना बहुत बुरा किया। यहाँ तो महफिल लगी। लगता है बाजी आप नाराज हैं मुझसे। और नाराज उस वक्त तक रहूंगी जब तक तुम अपना इरादा नहीं बदलते। बाजी बाजी क्या यार, अपनी अम्मा को समझा नहीं सकती। एक ही मामू है तुम्हारा, छोटी सी ख्वाहिश की। मैं सच कहूँ ना, मैं आपकी खुशी में बिल्कुल खुश नहीं हो सकती। आई मीन जिन लड़कियों से मैं और मामा बात करना पसंद नहीं करते, आप उनको ला के हमारे सामने खड़ा कर देना चाहते हैं। सीरियसली क्या हो गया यार, अपने मामू के लिए इतना सा नहीं कर सकते? देखें आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। हाँ अलबत्ता आपको एक मुफ्त का मशवरा ज़रूर दे सकती। किसी थर्ड पर्सन से बात करने के बजाय उस कंसर्न बंदे से बात करें तो बेटर है।
क्या मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये तो मेरी बेबी सिस्टर मुझसे नाराज है। वैसे गलत बात है तू का। नाराज मुझे तुमसे होना चाहिए। आई मीन, तुम्हें कोई अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा और तुमने मुझे नहीं बताया। I mean, come on, यार, I thought we were friends. This is not fair. अब तो पता चल गया ना आपको। आप करके दिखाएं आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। भाई आप मुझसे प्रॉमिस करें अब मेरी और उमर की शादी करवाएंगे, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, प्लीज। तूबा, ये पागलपन है। किसी को एक दफा देखने के बाद सारी जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं किया जा सकता। आपको क्यों इतना एतराज हो रहा है? ये बच्चों का खेल नहीं है। खानदान वाले सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे हमारा। आप क्यों परवाह कर रही है खानदान वालों की? आप कौन सा यहाँ पे रहती है? मामा बाबा का काम मनाने तो आप यहाँ रुकी नहीं, या अब रुकेंगी आप खानदान वालों की बातें सुनने के लिए? बुढ़िया बेटा काम डाउन, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा तुम जो कहोगी जैसा कहोगी वैसा ही हो, ठीक है? सबसे पहले आप इनसे कहें अपने घर वापस जाएं। बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? बज्जो बज्जो, नाराज कर दिया ना उन्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कराऊंगा तुम्हारी उम्र से शादी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। तुम्हारी उम्र से शादी करवाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक है? लेकिन अभी तुम अंदर चलोगी और चल के बच्चों से अपॉलोजाइज करोगी। हर वक्त सुनाती रहती हैं। बुढ़िया अच्छा चलो चलो, अच्छा नहीं लगता ना बेटा, नाराज होकर चली जाएंगी घर से फिर। चलो खुद तो कॉल करता नहीं, ऊपर से मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। पता नहीं कहाँ बिजी है ये। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, बेटी हो तुम मेरी। तुम खुश होती हो तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ, और अगर तुम उदास होती हो तो मेरा दिल उदास हो जाता है। देखिए बाबा, अगर आप मुझे वाकई में खुश देखना चाहते हैं ना, तो आप हैदर से कहें कि शादी और डिले ना करें। I mean, कभी मेरी खातिर भी आप हैदर से अपनी बात मनवा सकते हैं ना। अच्छा इस बार हैदर आता है तो मैं उसे कान पकड़ कर तुम्हारी बात मनवाऊंगा, लेकिन बेटा थोड़ा इंतजार कर लो। देखो अभी उसकी बात मानी है, थोड़ा उसका मान रख लेते हैं बेटा। जानते हैं आप, मेरी कॉल्स तक अटेंड नहीं करता, सारा दिन मुझे इग्नोर करता है। नहीं बेटा वो मसरूफ होगा, भला तुम्हें इग्नोर क्यों करेगा? प्लीज खुश रहा करो। और एक रिक्वेस्ट है तुमसे बेटा, मुझे और दुनिया को अपनी माँ की ऐनक से देखना बंद करो। प्लीज।
यार तू ना जाने हमें दर्द ही मिला है, गैरों से कैसा शिकवा अपनों से गिला है, कभी झूठे कभी रूठे तेरे मेरे वास्ते, मैं क्या जानूं क्यों जुदा है तेरे मेरे रास्ते, बेनाम सी मोहब्बत बेनाम सी कहानी, गए अंकल। क्या जरूरत है उन्हें मुझे छोड़ने की, मैं खुद चली जाती, इतनी देर हो रही है, थोड़ा सब्र कर लो, आ ही रहे होंगे। तुमने अब तक अपने ही कपड़े पहने, वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हें दिए? आंटी वो एमिल कल वो कपड़े पहन लेगी, मेरा मतलब कि इसे देर हो रही है और अंकल को भी तो देर हो रही होगी। ये घिसे पिटे कपड़े पहनकर तुम घर से बाहर निकलोगी, उसमें तुम्हारी इज्जत का कुछ नहीं होना, हमारा नाम खराब होना है। तुम दोनों ने वही कपड़े पहने जो मैंने तुम्हें दिए, समझ आइए? एमिल बेटा रेडी हो? जी। लाइबा आप कॉलेज जा रही है क्या? आजकल छुट्टियां उसकी। अच्छा चले बेटा, लेट हो रहे हैं। अब जाओ, जाके मेरे लिए चाय बना कर लाओ, यहीं बैठी हूँ मैं गार्डन में। जी आंटी। अच्छा बच्चों मैं निकल रहा हूँ फैक्ट्री के लिए, आप रेडी रहिएगा, शाम को चलेंगे फिर उमर के घर। जा रहे हैं शाम को उमर के घर, ले चले तुम्हें भी। Thank you, bye. You're the best. You're welcome. Hamesha khush. Chale ji, I shall see you guys in the evening, inshallah. Take care. Ab khush ho? Himal. रुको यार, दिन अपनी तो सुना गई, आज मेरी भी सुन लो। ठीक है, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। बस जिस रोज मैं तुम्हारे घर से किराए का मकान ढूंढने के लिए निकला था, बाबर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे पुलिस के हवाले करा दिया है यार। पुलिस वालों ने मेरा फोन रख लिया, निकलते साथ ही मैंने नई सिम निकलवाई मगर तुम्हारा नंबर खो चुका था यार। मैं तुम्हारे स्टोर गई थी, वापस आते हुए मेरा फोन और बैग दोनों छीन गए। हाँ वो तुम्हारी होने वाली भाभी ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया ना, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। पक्का यकीन है ये भाग आएगी वहां से। फौज की जॉब एक टफ जॉब है, वो नहीं कर पाएगी। सारी कॉलोनी में नाक कटवा दिया आप लोगों ने। दानियाल भाई आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।
यार खाम खा आपने फौज का कीड़ा डाल दिया उसके दिमाग में। मैंने कब डाला अब्बा, खुद फैसला लिया उसने। मगर बेटा शादी करनी थी उसकी। शादी होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर होकर घर में बैठी हूँ और मुझसे नीचे के लड़के और लड़कियाँ दुनिया फतेह कर रहे हैं।